गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तो गुड मॉर्निंग नहीं बोलूंगी, अभी गुड मॉर्निंग नहीं है, अभी शाम के टाइम है और पास में ये पूजा चल रही है। तो थोड़ा सा रेडी होके मैं शरण्या और आगे मेरे सिस्टर है, वो भी जा रही है, तो उसको शूट करने के लिए मना किया कि मुझे नहीं करना। चलो देखो आगे आगे, उसने मना किया था पहले पर वो भी आगे आगे ये दिखाने के लिए। और बहुत दिन बाद मैं आई हूँ घर और यहाँ पे छोटा मासा एक पूजा हो रही है, तो इस वजह से हम लोग जा रहे हैं वहीं पे और बहुत पास में ही है घर के। और ये देखो मेरे भाई भी जा रही है, स्कूटी लेके घूम रही है, 2 मिनट का डिस्टेंस है, स्कूटी लेके जा रही है। हाँ चलो, अभी मीठी को मुझे गोदी में लेने के लिए बोल रही है, किसको चला नहीं जा रहा है। 1 मिनट ये बैग पकड़ो, तो मीठी को मैं गोदी में ले लूँ। आ जाओ ओके, तो मानू का हाथ धर। तो मीठी को मैंने गोदी में ले लिया, पर उसके मम्मी साइड है ना, तो उसके मम्मी देखो, उसके मम्मी भी रेडी हुई है ना, तो इसलिए वो रो रही है। मेरे गोदी में नहीं आना है उसको। और यहाँ पे लग रहा है वेदर देख करके बहुत तेज बारिश होने वाली है, तो देखते हैं क्या होता है। अगर बारिश आ जाए, आंधी आ जाए, हमें भागना पड़ेगा मतलब। और बहुत ज़्यादा पसीना पसीना हो रहा है, पम्पी का हालत तो बहुत ख़राब हो रही है। और फ्रेंड पम्पी ये भी एक चैनल है, उसका लिंक मैं दे दूंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लेना जो जो वीडियो को देखोगे, क्योंकि सबको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। आप लोग मुझे प्यार करते हो और पम्पी को भी देना प्लीज़। तो चलो आगे दिखाती हूँ कितना दूर है, और मतलब लगभग पहुँच ही गए है। तो ये देखो जहाँ पे ये रोड जगह खत्म हो गई, आगे से थोड़ा सा भीड़ लग रहा है, मैं जूम नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि एक हाथ से नहीं। और कितना अच्छा सुंदर लोकेशन दिख रहा है, आप देखो बहुत सुंदर, यही है हमारा गांव के व्यू सच में फ्रेंड। पर मुझे ब्लॉग बनाना चाहिए आप लोगों को दिखाने के लिए, और मुझे टाइम नहीं मिलते है शूट करने के लिए, और बाहर भी नहीं आती हूँ। असल में ना अभी क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से आ नहीं पा रही हूँ। अभी तो धूप थोड़ा सा चले गए है, शाम के टाइम है बोल के, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलो वीडियो में मेरे साथ बने रहो, और मैं शेयर कर कितना शेयर कर पाऊंगी नहीं पता, पर क्या हुआ है आगे जाके गाना चल रहा है ना, तो मैं कॉपीराइट की वजह से बाद में वॉइस ओवर देना पड़ेगा, इसीलिए मैं यहाँ तक अपना बहुत। तो फ्रेंड यहाँ से शुरू होती है मतलब पूजा, और दूर जो दिख रहे हैं वहाँ पे भी ईसा लगा हुआ है, वहाँ भी पूजा चल रही है। और क्योंकि मैं बहुत दिन बाद आई हूँ, जो भी मिल रहे सबसे बातें कर रही हूँ, मजाक कर रही हूँ, और ये सबको पता है मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, इसलिए मुझे चिढ़ा रही है। क्योंकि यहाँ पे मतलब मेरे गाँव में कोई नहीं करते ब्लॉगिंग, मैं ही फास्ट हूँ, तो इसलिए सब थोड़ा सा चिढ़ाते हैं। और मेरे हाथ में फ़ोन है, देख के मैं वीडियो कर रही हूँ, देख के सब ऐसे घूर रहे हैं। और असल में ये जो यहाँ पे जो पूजा हो रही है ना, एकदम मेन रोड के पास में ही है, और ये पूजा हर साल होते हैं, आसपास के सारे गांव से लोग आते हैं, बहुत भीड़ होती है। और मैं थोड़ा सा लेट करके आई थी, तब तक थोड़ा सा कम हो गया था, और इतना गर्मी था ना, तो सब आ रहे पूजा देकर सब जा रहे। और ये मेरे गाँव के है, मुझे बहुत दिन बाद देखे तो बातें कर रहे थे। और यहाँ पे पूजा में बलि भी होते, बकरे को बलि चढ़ाया जाता है, तो वो यूट्यूब में अलाउ नहीं है दिखाना, तो इसलिए मैंने नहीं दिखाया, वो शूट नहीं किया। थोड़ा सा मतलब जहाँ पे हो रहे थे प्रिपरेशन ले रहे थे, बस उसी जगह का शूट करके आप सबको दिखाया, क्योंकि बाद में कुछ मतलब चैनल को लेकर कुछ गलत हो जाए इस डर की वजह से। और वहाँ पे बहुत तेज गाना चल रहा था, इस वजह से मैंने वॉइस ओवर दिया, और उसका जो रियल जो साउंड था इसको मैंने ऑफ कर दिया। तो ये देखो, ये जो फूलों से सजा हुआ है, यहीं पे पूजा चल रही है, और असल में एक पेड़ पे पूजा होते है, और इसको मनसब पूजा बोलते हैं। तो ये देखो यहाँ पे सब कुछ रेडी है बलि के लिए, और मतलब हर साल यहाँ पे बलि होते हैं। और मैं थोड़ा सा अपना फेस भी दिखा रही थी, क्योंकि बैक कैमरे से हमेशा शूट कर रही थी, और मेरे मम्मी और शरण्या को लेकर खड़ी हुई है। मैं मम्मी को बोल रही थी कैमरे में आओ, थोड़ा सा इस तरफ दिखो,
मतलब सबको चाह रही थी लाने का, पर सब शर्माते हैं। जब मैं भी नए नए आई थी यूट्यूब में, मैं भी शर्माती थी। मेरे मम्मी ये सरना तो कंफर्टेबल है, मतलब वीडियो बनाने में खुद बना लेती है। और पम्पियर उसकी डॉटर, और इसको तो बस फ़ोन सामने दे दो तो उसको फ़ोन ही चाहिए। तो मतलब आप वीडियो बनाओ या कुछ भी करो, बस उसके हाथ में चाहिए। और मेरे एक फ्रेंड से भी मैं बहुत दिन बाद मिली थी, वो नहीं आ रही थी कैमरे में, मैंने पकड़ के लेके आई थी कि आ जाओ मेरे ब्लॉग में देख लेना खुद को कैसे लगते हो। तो मतलब हम दोनों में बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग है ये है। और वो पहले हंस रहे थे, फिर उसके बाद में बोलने के बाद फिर आ गए, और उसके बेटे रो रहे थे तो इसलिए वो चले गए थे थोड़ी देर रुक के। और ये है झटपट तीखा तीखा वाला, बहुत दिन बाद मिला था तो मैंने ले लिया था। और पास में यहाँ पे थोड़ा सा खिलौना बेच रहे थे, और मतलब ज़्यादा दुकान नहीं बैठा था, बहुत कम बैठे थे, 6-7 मान लीजिए खिलौना का। और बाकी जो पानी पूरी होती है, जलेबी, पापड़, बलून्स, बच्चों का जो सारे आइटम होते हैं, आइसक्रीम, सब कुछ थे। पहले बहुत मतलब बहुत ज़्यादा करके होते थे भीड़ करके, तो अभी थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि कुछ दूसरा रीज़न है, वो नहीं बता सकती, नहीं मतलब बताना अलाउ नहीं है यूट्यूब में, तो इस वजह से नहीं बता सकती। और शरण्या ने क्या क्या ख़रीदा था, वो मैंने सूट नहीं किया, बस ये दो चीज़ का सूट किया था। शरण्या को 3-4 डॉल खरीद दिए, 3 डॉल खरीद दिए थे, और बबल्स वाला जो है वो खरीद दिए थे, मीठी के लिए 2 बलून्स वाले जो ये होते गदा होते वो खरीद दिए थे, और युवान के लिए खरीदे थे, पंखा खरीदे थे, और ये है मेरे कॉलेज वाली पानी पूरी वाला। तो इनको देखकर तो मैं रह ही नहीं सकती कि मुझे खाना है, तो वो खा लिया। फिर उसके बाद आने के टाइम यहाँ से शरण्या के लिए डॉल लिए थे, ये बबल्स वाले लिए थे, और ये मीठी को चाहिए था, तो यहाँ पे देखो ये जलेबी बना रहे थे, पर मैंने नहीं लिया था क्योंकि मीठा है और कोई खाएंगे नहीं, इस वजह से नहीं लिया था। तो फिर उसके बाद हम लोग घर लौट रहे थे क्योंकि शाम हो गए थे, और शरण्या पहले ही मेरे मम्मी के साथ आ गए थे घर में, तो इतना सा ही, और ज़्यादा सूट नहीं किए थे। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना। ओके चलो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।